चुका है T20 और आपको पहले भी बताया था कितने रनों से 61 रनों से जीते जी 6+1 7 थाला फॉर रीजन की बात होती है, थाला फॉर रीजन यहाँ भी, थाला फॉर रीजन यहाँ पे ये है कि देखिए बहुत थक चुके थे, बहुत थक चुके थे रोहित और गंभीर एरा में हार देख देख के फाइनली ये सूर्या लक्ष्मण का एक छोटा सा एरा आया है जहां पे हमें जीत का चेहरा देखने को मिला है यार। तरस गए थे जीत का चेहरा देखने के लिए। 203 रन भाई, 203 रन कोई कम तो थे नहीं जी। आपने पूरी तरह से प्रेशर वहां पे साउथ अफ्रीका पे डाल तो रखा था, अब साउथ अफ्रीका प्रेशर में ऐसा चोक किया कि किसी से बैटिंग ही नहीं हुई। एंड में कोर्टजी बोर्डजी रन बना गए, वो बता के गए भाई दबे कि बैटिंग यहां पे करना इतना मुश्किल नहीं था जितना आपने मुश्किल बना दिया। आप इतना डर गए थे, आपको इतना खौफ खा गया था कि आपसे बैटिंग ही नहीं हुई। हेनरिक क्लासन, हार्दिक पांड्या से डरा डरा फिर रहा था, डेविड मिलर को वरुण चक्रवर्ती की बॉल समझ नहीं आ रही थी, ऊपर से रिकल्टन उसको तो स्पिनिंग खेलनी नहीं आई मुझे तो ये समझ आ रहा था, माकरम को जो हरदीप सिंह ने शुरू में निकाला था। तो अल्टीमेटली तगड़ा एफर्ट पूरी टीम से, एंड सल्यूट टू कैप्टन सूर्या, क्योंकि सूर्यकुमार यादव ने जैसे कप्तानी करी है भाई, सूर्यकुमार यादव ने कहीं ना कहीं ये प्रूव किया है कि देखो बहुत सारे सवाल बाय द वे सूर्या पे उठे थे जब हार्दिक पांड्या को कैप्टन नहीं बनाया गया था, सूर्या को कैप्टन बनाया गया था। सबने बोला था कि नहीं यार ये तो गलत है, सूर्या को कैसे कैप्टन बना दिया, बट अल्टीमेटली सूर्या जो है ना वो ये प्रूव कर रहा है कि शायद अच्छा ऑप्शन, शायद क्या पक्का अच्छा ऑप्शन था, पक्का बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि सूर्या के अंडर आप अभी तक बाय द वे एक भी T20 सीरीज नहीं हारे हो। सूर्या ने पहली बार कप्तानी का करी थी ODI वर्ल्ड कप के बाद, जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 सीरीज हुई थी सूर्या ने वो सीरीज जितवाई। सूर्या ने उसके बाद साउथ अफ्रीका में कप्तानी करी, साउथ अफ्रीका में सीरीज बराबर करवाई। सूर्या ने अभी रिसेंटली आपने लंका में देखा, लंका में जितवाया, बांग्लादेश के अगेंस्ट जितवाया, अभी साउथ अफ्रीका है, पहला T20 जितवा दिया है, एक शून्य की बढ़त आप बना चुके हो। पर अल्टीमेटली 100 बातों की एक बात यही है कि आपने ये मैच एक तरफा जीता है और वो भी इस फ्लैट ट्रैक पे जिस ट्रैक पे कुछ भी नहीं था। सो सल्यूट टू सूर्या एंड सल्यूट टू वी। मैं तो प्रियांशु जी एक ही बात कहना चाहूंगा, हम लोग थोड़े से एक्साइटेड हो गए थे कि एक थ्रिलर देखने को मिल सकता है हमें, स्पेशली जब लास्ट के 5 ओवर में 35-36 पे इन्होंने हमारे 6-7 विकेट ले लिए थे साउथ अफ्रीकन्स ने, तो हम यही सोच रहे थे कि भाई मोमेंटम लेके जाएगी साउथ अफ्रीका। बट जैसी शुरुआत हुई अर्शदीप ने ऊपर से मार्करम को आउट किया, और पता है सूर्यकुमार यादव मेरे को लगता है ना टॉस पे ही जीत गए थे। सबसे पहले जब टॉस हारे उन्होंने बोला हम पहले बैटिंग करना चाहते हैं, बैटिंग मिल गई, यहां 200 रन तोड़ दिए। उसके बाद ये जो 3 स्पिनर खिलाए ना तिकड़ी, अक्षर को तो बाय द वे यूज ही नहीं किया, जरूरत अक्षर पटेल की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन ये जो आपके 2 स्पिनर रवि बिश्नोई और आपके दूसरे वरुण चक्रवर्ती, दोनों मिलाकर 6 विकेट लेकर गए। वहां पर मिलर को भी आउट किया, वहां पर क्लासन को भी आउट किया, स्टब्स को भी आउट किया है। और एक चीज और बोलूंगा जिसमें जिसकी बात थोड़ी सी शायद लोग जो है वो ना करें बट हम जरूर करेंगे, कि ये जो बेड़ा घर का साउथ अफ्रीका का हुआ है ना, वो करवाया है खास तौर पर मार्करम नहीं, आपके क्लासन ने और आपके लिए भैया डेविड मिलर ने। क्यों? हार्दिक पांड्या के ओवर में 2 ओवर निकाल दिए हार्दिक पांड्या के, वहां पर क्लासन ने मारू चटाका, एक बार भी कोई रिस्क नहीं लिया, वो एक चौका लिया था वो भी थोड़ा सा अपिश था, वो भी आउट हो जाता। और वहीं पर क्योंकि मेंटली ये लोग इतने चोकर हो चुके हैं ना, मेंटली आप देख लीजिए, क्लासन वही सोच के बैठा हुआ था वर्ल्ड कप फाइनल में यार हार्दिक आउट कर गया था, मैं इस पर रिस्क नहीं लूंगा, सही बात है, उस पर रिस्क नहीं लिया। अगले ओवर में रिस्क लिया, उसके बाद तब रिकल्टन खेल रहा था, वरुण चक्रवर्ती आया था, उसने रिस्क लिया, वो आउट हो गया। फिर डेविड मिलर जी वो आउट हो गए, खुद क्लासन आउट हो गए वरुण चक्रवर्ती पे एक छक्का मार के। तो ओवरऑल देख लो भाई, ये आपके स्पिनर्स की तूती बोली है आज की इस मुकाबले में। ऊपर से संजू ने ठोक दिया, नीचे से स्पिनर्स ने पेल दिया, रगड़ाई कर दी ढंग से साउथ अफ्रीकन्स की, और पहले पहला मैच जीत के मुझे गलत प्रूफ किया। मतलब गलत क्या यार, मुझे ये ऐसे गलत प्रूफ होना फिर भी मैं बोलूंगा जायज है इस तरीके से गलत प्रूफ होना, जहां पे आपकी टीम वन साइडेड, मतलब सामने वाली टीम को कहीं भी कंपटीशन में ना रखे, तीनों ही डिपार्टमेंट में बाय द वे आउट क्लास किया है। बॉलिंग आप देख ले, फील्डिंग आप देख ले यार, चलो मैच खत्म हो गया था, रमनदीप क्या एफर्ट मार रहा था आखिर में, मैच तो खत्म हो गया था। मैं कहता हूं रमनदीप तो सब्स्टिट्यूट फील्डर है, हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई थी, हम जो है वो चार्ज अप हो गए। आप देखो मैच खत्म हो चुका है लेकिन इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आई,
यही हम बात कर रहे हैं कि ये टीम रुकने का नाम नहीं ले रही है अंडर सूर्य कुमार यादव। आप देखो लगातार डोमिनेट कर रहे हो, बांग्लादेश के खिलाफ जीते बात हो रही थी क्लीन स्वीप, क्या बांग्लादेश ही तो है, ये बड़ा चैलेंज आएगा साउथ अफ्रीका का चैलेंज। मतलब आप ये देखो साउथ अफ्रीका का चैलेंज बोल रहे थे बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, क्लासन है, मिलर है, क्या मिडिल ऑर्डर है भाई, वो तो स्पिन के सामने अपने घर पे नहीं खेल पा रहे स्पिनर्स को। मुझे तो लगता है कि ये कहीं वर्ड वॉश ना कर रहे। मैं एक बार एक चीज बोलना चाहूंगा, क्लोजअप पे आ जाइए जरा, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं ये पूरा मामला जो चल रहा है आपका, मैं सीधी सीधी सिंपल बात जो समझाने की कोशिश करूंगा कि यंगस्टर्स से सीख लो भाई, सीनियर्स, सच में यंगस्टर्स से सीख लो। ये आपकी यंग टीम है, इसके अंदर आपके जो दो सीनियर प्लेयर्स है ना, कौन कौन है, सूर्य कुमार यादव और दूसरा कौन, हार्दिक पांड्या, उसके अलावा यंग टीम है, संजू सैमसन को आप चुन सकते हो, बात कर सकते हो, बट अल्टीमेटली बात यह है कि यंग प्लेयर जो हमारे हैं ना, ये रोहित, विराट, राहुल, इन सबसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन सबसे बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और अल्टीमेटली अपनी डोमिनेशन दिखा रहे यंगस्टर्स और फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, फियरलेस अप्रोच दिखा रहे हैं। जो हमारी सीनियर टीम है वो जाके क्या क्या कर रही है, बांग्लादेश के जीत, बांग्लादेश से जीत के तो जी हम बहुत चौड़े हो रहे थे कि बांग्लादेश को हरा दिया, मल्टी बांग्लादेश को मार दिया हमने, लंका से हम क्या हारे, ओडीआई सीरीज हार गए, सीनियर टीम हारी थी ओडीआई सीरीज, फिर उसके बाद आप अभी घर पे न्यूजीलैंड से रेड बॉल सीरीज हार गए। अल्टीमेटली आपकी हारते हारे नहीं, व्हाइट वॉश हुए हो, व्हाइट वॉश हुए हो। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारी टी20 टीम, ये सामने वाली टीमों को डोमिनेट कर रही है, ना ही सिर्फ घर में बल्कि बाहर भी। घर की डोमिनेशन तो जारी है पर बाहर की डोमिनेशन भी चल रही है। बट आप सभी से पूछूंगा कि जो हमारे यंगस्टर्स ने किया है यार, ये सीनियर्स क्यों नहीं सीखते यार वैसे? मैं बताऊं एक चीज, सीनियर्स एक छोटी सी बात, सीनियर्स बहुत सीख गए, क्या सीखेंगे नहीं, सीनियर ने जो करना था कर लिया, उन्होंने जो करना टाइम निकल गया ना भाई। अब देखो ये न्यू एरा की बात हो रही है, ये मुझे लग रहा है न्यू एरा है, गोल्डन एरा, गोल्डन एरा, ये मुझे लग रहा है। ये प्लेयर जो टी20 में कर रहे हैं ना, आपने सीनियर्स की बात करी, सीनियर्स का तो फॉर्म नहीं लगा हुआ, सीनियर ने जब करना था अपने टाइम पर उन्होंने बहुत करा, हालांकि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जो वो कर रहे हैं उनको सच में थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि परफॉर्मेंस एक तरफ टी20 में कैसी हो रही है आपकी टीम की, वर्ल्ड चैंपियन तो टी20 में ही हो ना, और वो दिखा रहे हो कि वर्ल्ड चैंपियंस की तरह खेला कैसे जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बाकी फॉर्मेट उठाकर देख लो, ओडीआई टेस्ट बेड़ा गर्क हो रखा है वहां पे, नहीं वहां पे जीतना दुश्वार हो रखा है। बांग्लादेश, बाय द वे बांग्लादेश को तो टी20 टीम ने भी हराया था, आपने भी हराया था वहां पे टेस्ट मैच में, आप जब न्यूजीलैंड के सामने गए चारों खाने चित व्हाइट वॉश हो गए, ये जब साउथ अफ्रीका में खेलने गए इन्होंने पहले मैच में वन साइडेड थ्रेशिंग दी है वहां पे, और 200 रनों को ऐसे डिफेंड किया। हम बात कर रहे थे यार छोटी बाउंड्री है, स्क्वायर बाउंड्री छोटी है, क्लासन मिलर जैसे दैत्य मौजूद है, माकरम कप्तान है, स्टब्स इनफॉर्म बैटर उनके पास है, उनके लिए चेस तो हलवा हो सकता है, आपकी बॉलिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक मैं कहूंगा सूर्य कुमार यादव का, तीन स्पिनर रख लिए भाई। मैं तो सूर्य, जिस तरीके से स्पिनरों ने काम किया है, मैं तो सूर्य कुमार यादव को भाई उन्हीं के देख रहा हूं ना, जैसे हम बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा के पदचिन्हों पे सूर्य कुमार यादव जो है वो निकल चुके हैं, मैं तो एक ही चीज देख रहा हूं और बड़ी कॉमन चीज देख रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव जो है वो रोहित शर्मा की तरह ही, एक तरीके से ऐसा लगता है कि रोहित ही आइडेंटिकल फील्ड पर, आप देख लें प्लेयर्स के साथ वो जिस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, बातचीत करते हैं, रोटेशन देख लो सूर्य की, यू नो कैप्टनसी में, और साथ ही साथ कप्तानी रास आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कप्तानी के लिए ही बने थे वो, कप्तानी चाहिए थी सूर्य कुमार यादव को कि परफॉर्मेंस और बेटर हो और अच्छा करे। और देख लो कुछ प्लेयर होते हैं जब कैप्टनसी मिलती है ना तो दे क्रम्बल अंडर प्रेशर, लेकिन सूर्य कुमार यादव वो ऐसे इंसान है भाई, अब तक जो हमने देखा है टचवुड उनकी कप्तानी में और आगे भी ऐसे ही देखते रहे कि वो प्रेशर जो है अब्सॉर्ब करके वो टीम में रिफ्लेक्ट होता है और साथ ही साथ परफॉर्मेंस निकल कर आती है। आप पहले देख लीजिए अब साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं और खुद अपनी कप्तानी में रन भी बनाते हैं, चलो आज रन नहीं बने लेकिन आज तो संजू ने रन बना दिए, डिसीजन देख लो एक से एक टॉप क्लास, चलो पहले बैटिंग नहीं आई, टॉस नहीं जीते लेकिन फिर भी बैटिंग मिल गई, आप बैटिंग करना चाहते थे। दूसरा आप देख लीजिए तीन स्पिनर्स को खिलाना, हम यही सोच रहे थे कि भाई अक्षर पटेल कैसा करेगा वहां पर रिकल्टन के सामने, या यू नो आपका जब डेविड मिलर आएंगे, बट उसको बॉलिंग का ही मौका ही नहीं दिया, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई, यानी कि तीन स्पिन तिकड़ी को खिलाना आपके लिए कारगर साबित हुआ। और एक बात बताऊं, अगर ऐसा ही स्पिन खेलेंगे तो आप सीरीज जो है वो 4-0 करके आओ, 100% उनके बस की नहीं है स्पिन खेलना, 100% कप्तानी देख लें सूर्य कुमार यादव की स्पॉट ऑन, जब भी थोड़ा बहुत लगा कि ये क्लासिन वगैरह थोड़ा बहुत सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, सेट होने ही नहीं दिया, स्पिनर दोनों तरफ से लगा दिए, और साथ ही में जो हार्दिक पांडे इतना ब्यूटीफुली यू नो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव को, आपको पता ही है कि वो हो चुका है कि भाई
मैं आईपीएल में संभालूंगा, तू इंडिया की टीम संभाल ले, दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यही सहमति से परिवार, यही जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हार्दिक पांड्या की बोलिंग देख लें आप, बैटिंग से नहीं कर पाए, बाद में हमने बोला यार हार्दिक एक्सपीरियंस प्लेयर है लेकिन बोलिंग रन नहीं दिए। अगर वहीं पर एक तो क्लासन मेंटली जो है अपना चोक कर ही गया वहां पर, कोर्ट जी तो ठीक है भैया, लेकिन मेन तो क्लासन था ना, वो क्लासन तो मेंटली और बोलिंग भी देख लो फिर हार्दिक पांड्या की, तरीके से लूज बॉल एक भी दी नहीं उसने, कह रहा हूँ कोर्ट जी ने जिस तरीके से आखिर में बैटिंग की, क्या मार सकता लगा था, बहुत मुश्किल थी, क्लासन और मिलर ने हराया, छक्के लगा रहा था। इनके दो सीनियर बैटर जो हम बात कर रहे थे कि फिनिशर होंगे, इनके लिए मैच फिनिश करेंगे, टीम फिनिश करेंगे। पांडे जी अक्सर जो आपकी हॉन्टिंग मेमोरीज होती है ना, आपकी जो हॉन्टिंग मेमोरीज होती है ना, वो हमेशा आपको हॉन्ट करती है। आपने कितनी बार देखा कि वहां पे चार्ज करने की कोशिश कर रहा है क्लासन हार्दिक पांड्या के सामने, एक बार भी नहीं। और सीधी बात बोलूं, साउथ अफ्रीका हारी नहीं है, साउथ अफ्रीका को हराया गया है, और हराया किसने है, देखिए मैं इस चीज में बहुत स्ट्रिक्ट बिलीवर हूं ना कि इफ द जनरल डजंट पैनिक ट्रूप्स डोंट पैनिक, और यहां पे जनरल का श्रेय बनता है जिस तरीके से उसने टीम को चलाया है, श्रेय 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 क्रेडिट बनता है मेरे भाई, सब ले लो जो श्रेय क्रेडिट हकदार है वो उसकी सब कुछ। बोलिंग रोटेशन आपने बोल दिया, आपने बोल दिया कि किस तरीके से अप्रोच किया गेम को, सारी बातें होंगी। मैं कह रहा हूं सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से टीम में बॉन्ड बना के रखा हुआ है, सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से प्लेयर्स के साथ घुल मिल के रहते हैं, हार्दिक पांड्या कितने कलेश हो सकते थे इस टीम में, हमने ऑलरेडी इस टीम में देखे हुए हैं 2021 के टाइम पे कि जब कैप्टेंसी शिफ्ट हुई थी तो क्या हुआ था हमारे साथ, ये ट्रांजिशन देखिए कितना स्मूथ था। हार्दिक पांड्या पूरे तरीके से साथ दे रहे हैं, साथ में अपनी लीडरशिप रोल भी, आई विल टेक योर बैक, नो यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर बैक, ये था दोनों हार्दिक पांड्या वहां पे साथ दे रहे हैं, वहां पे साथ ही में आप ये देखिए जो जितने सीनियर बोलर्स हैं सारे मिल के बोलिंग कर रहे, टीम के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और जैसा आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि भाई सीनियर्स को सीखना चाहिए इससे, आप अगर अभी तक टीम में हो ना तो बिल्कुल आपने अपने प्राइम पे किया हुआ है, सीखेंगे छह घंटे वो किया है, पर अभी भी ये जागीर नहीं है। हॉन्टिंग मेमोरीज की आप बात कर रहे थे ना, तो मुझे एक चीज याद आ गई कि भाई के साउथ अफ्रीका फाइनल हारी थी, क्लासन वहां पर रन बना रहा था, मिलर वहां पर लास्ट तक खड़ा था, तो इंडिया के सामने जब भी इन्होंने अगला मैच खेलना था तो कम से कम वो एनर्जी दिखाना चाहिए था, कम से कम वो आता कि यार हम इनसे फाइनल, जैसा रोहित शर्मा का, जैसा रोहित शर्मा ने दिखाया था वहां पर T20 वर्ल्ड कप में जब आए थे, और स्टार्क को और कमिंस को जिस तरीके से वो मारा था छक्का, आज भी रिलीज हुआ इन्होंने, तो ये लोग तो वो कम से कम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गया था कि फोड़ देंगे, ये तो समझ ही नहीं आया, वही वाली बात है, इधर वाली है। चलो ये सोच रहे थे कि इंडियन टीम को क्रेडिट जाता है, क्या सोच रहा था पांडे जी कि मैं हार्दिक के ऊपर रिस्क नहीं लूंगा, स्पिनर्स को मारूंगा, क्या हलवा है क्या वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है उसको, सच्चाई है, हलवा है। और जब से वरुण चक्रवर्ती एक चीज तो मैं देख रहा हूँ, कुलदीप से बेटर तो कर ही रहा है, एक बात है कि वरुण चक्रवर्ती हर मैच में आप देख पढ़ नहीं पा रहे, जनरली ये बात सच है क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने जिस हिसाब से जो मिस्ट्री स्पिनर उन्हें कहा जाता है कि भैया मिस्ट्री लेके आते हैं, वरुण चक्रवर्ती ने वो मिस्ट्री बनाई थी, उस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाए हेनरिक क्लासन मिलर वगैरह, उनके लिए वो हिस्ट्री बन के रहेगा कि मिस्ट्री कैसे सुलझाए। और इस सीरीज में बाय द वे वरुण चक्रवर्ती इस सीरीज में क्या आगे भी वरुण चक्रवर्ती बाकी टीम्स के लिए भी बड़ा खतरा हो सकते हैं क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के पास वो वैरायटी है, तगड़ा बोलर है और लंबा टिकेगा इंडियन टीम में। बाय द वे एक बात तो है, कुछ लोग तो अभी बात करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि रोहित और गंभीर के जैसा हालात चल रहे ना, लोग कह रहे यार उससे अच्छा तो एटलीस्ट हमारा ये जो नया आया हुआ है थोड़ा बहुत बीच के समय के लिए कि लक्ष्मण और सूर्य आ रहा है ठीक है। देखो तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा भाई, लेकिन अभी जैसे देखो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा चीजें ठीक लग नहीं रही, और इसीलिए आज 6 घंटे की मीटिंग भी हुई वो सारी चीजों पर डिस्कशन हुई होगी कि हमने क्या गलत किया, स्पेशली वो जो डिसीजन की बात है ना, गौतम गंभीर क्या चाह रहे हैं, रोहित शर्मा क्या चाह रहे हैं, तो वो अभी लक्ष्मण जी जब आएंगे कैसा करेंगे कैसा नहीं करेंगे किसी को नहीं पता भाई, है ना। लेकिन गौतम गंभीर और इन लोगों को यही बोला गया होगा, स्पेशली रोहित शर्मा को, कि भैया चले जाइए जल्दी से जल्दी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, एक मैच अगर लेना है तो एक मैच ले लो, जल्दी से पहुंचो वहां पे और मतलब कुछ करके तो दिखाओ यार, कम से कम ऐसे तो मत हारो। गंभीर